भूषण हजारी की जीत पर जदयू नेताओं ने पूर्व मंत्री फातमी के आवास पर मनाया जश्न। फातमी ने कहा जदयू की जीत में मुस्लिम वोटरों की भी बड़ी भूमिका। कुशेश्वर स्थान में जदयू के अमन भूषण हजारी की जीत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी के ख्वाजा सराय आवास पर जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी ने सभी को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। लोगों का विश्वास आज भी नीतीश कुमार जी के कामकाज पर है। और एक बात आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कुशेश्वर स्थान के जनता को, चाहे बाढ़ से निदान की बात हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, ये नहीं कि चुनाव खत्म हो गया तो हम लोग बैठे रहेंगे। छठ के बाद कैंप करके वो सारा काम हम लोग अगले एक साल में वहां करके दिखाएंगे। अब तो रिजल्ट हो गया ना। आप देखे नहीं, आप ही के चैनल का फोटो शॉप कर दिया, अमन भूषण हजारी का चेहरा बना करके, जो देखिए किस हाल में है। आप लोगों को खंडन करना पड़ा, ये निगेटिव पॉलिटिक्स कौन लोग कर रहा था। जिस जो भाषा का यूज किया गया हमारे नेता और मुख्यमंत्री को लेकर के, बिहार की जनता जानती है। ये जो मौसमी लोग आ करके भाषण दिए और फिर भाग गए, अब तो इंडोर्स हो गया, पिछली बार के तुलना में लगभग डबल वोट से हम लोग जीते हैं। लंबे अरसे तक याद करेगा। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कुशेश्वर स्थान की जीत है और नीतीश कुमार जी के उस अहद की जीत है जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं इंसाफ के साथ तरक्की करूंगा बिहार, यानी न्याय के साथ विकास, ये उसकी जीत। और ये एक सिग्नल देता है कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है उस पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया, तो उनके कामकाज से लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि वो और उनका मंत्रालय, जो मंत्री कैबिनेट है, उसको मोहर लगाती है ये जो मैंडेट है। तारापुर का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ भी जनता दल यू जीतेगी। अब जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि जनता दल यू के जो कार्यकर्ता थे, वहाँ के लोग थे, जो लीडर थे, दिन रात एक करके जो मेहनत किया उसका लोगों ने सही जवाब दिया है। आपने क्या पूछा, अभी दो तीन बात कहना चाहता हूँ कि जब बिहार को जरूरत हो आपकी, सैलाब में, कोरोना में, किसी तरह की भी आपदा में, लोग जब तकलीफ में हो तो वो बिहार में नजर आए। आज उनको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी, इससे बहुत बुरा महसूस हुआ। वो समझते हो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, जगदा बाबू वहाँ चले जा रहे हैं, आप यहाँ चले जा रहे हैं। इनको विश्वास करना चाहिए, जब इलेक्शन प्रोसेस में चले गए तो इलेक्शन कमीशन पर, यहाँ के पीएम पर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो भी वहाँ के इलेक्शन के इंचार्ज हैं, उस पर उनको विश्वास करना चाहिए। तो अगर कल असेंबली का जनरल इलेक्शन हो रहा है तो कौन कौन सी सीट पर जाएंगे भागते हुए, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सबसे, ये सब जो है ना फुहरपन इसके करते हैं, इससे मतलब फेसबुक पे तो चल सकते हैं। बहुत बड़ी जीत हुई है, लगातार आठ बजे ताल ठोक रही थी कि मैं जीत रहा हूँ, क्या कहेंगे? ये बड़ा जीत है और हम इस जीत पर सबसे पहले तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता मालिक, जिन्होंने मतदान किया एनडीए के उम्मीदवार अमन भूषण हजारी जी के पक्ष में, उनको हम लोग साधुवाद देते हैं और अपने उम्मीदवार जो प्रत्याशी हमारे थे जो जीते हैं उनको हम लोग शुभकामना देते हैं। और अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और
जितने भी भारतीय जनता पार्टी जो भी घटक दल के नेता हैं उनको इस जीत के लिए श्रेय उनको देते हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस जीत को हासिल किया है। और सबसे पहले जितने भी हमारे एनडीए परिवार के नेता हैं कार्यकर्ता हैं हम सभी लोग इस स्थान में इस चुनाव में जो हमारे दिवंगत विधायक जी थे पुत्र के लिए हम लोगों ने काम किया और सब लोगों ने भरोसा किया। और चूंकि बिहार के अंदर में विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगते हैं और विकास के नाम पर जो है जनता विश्वास भी करती है और यही कारण है कि लगातार लोग नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। और इस चुनाव में जो विरोधी लोगों के द्वारा बहुत तरह की बात कही थी लेकिन सभी बातों को नकारते हुए लोगों ने अमन भूषण हजारी पर विश्वास किया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।